इस लेक्चर में हम जो है वो पहले सबक लहू और कालीन के सवाल जवाब करेंगे और उसके साथ साथ दो खत जो है वो भी हमने इसमें मुकम्मल करने हैं। पहले जो है हम इसके सवाल जवाब की तरफ आते हैं। सवाल नंबर एक, देखें तजम्मुल नेमत के बारे में किस किस्म के ख्याल का इजहार किया। अब जवाब है इसका, अख्तर ने कहा कि इस किस्म के लोगों की आदत होती है कि वो हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं। दूसरा सवाल है कि अख्तर का हमिया बयान करें। अख्तर उधेड़ उम्र का शख्स, सर के बाद बिखरे हुए आंखें, शब बेदारी की वजह से सुर्ख लिबास पजामा और कमीज आस्तीन चढ़ी हुई। सवाल तीसरा सवाल है, अख्तर को तस्वीरें कौन बनाकर देता था। अख्तर को उसका दोस्त न्याजी तस्वीरें बनाकर देता था। चौथा सवाल है, न्याजी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले क्यों की। जवाब है, न्याजी गुर्बत की चक्की में फिसला था, इसलिए उसने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले कर दी। तस्वीर सवाल नंबर पाँच, तस्वीरें अख्तर की नहीं, इसे इंतशाफ कर तजमन का रद्दमन किया था। तजमन को जब पता चला, इस बात का पता चला कि अख्तर तस्वीरें अख्तर की नहीं हैं, तो उसे शदीद झटका लगा और उसने अख्तर को खूब जलीकटी सुनाई, यानी कि उसको खूब डांटा। छठा सवाल है, तजमन हुसैन की कोठी का नाम क्या था, तो उसकी कोठी का क्या नाम था, अल निशा। इसी तरह सवाल नंबर चार, सात है, तजमन की उम्र कितनी थी। तजमन की उम्र जो है वो 40 से 45 साल के दरमियान थी। अच्छा, इसके अलावा जो है वो किसी लेक्चर के हवाले से आपने दो खतूत जो है वो भी याद करने हैं। एक खत है आपा के नाम पर मौसम सरमा की कातला साथ गुजारने के लिए, और दूसरा जो खत है चचा के नाम बीमार चची की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए खत लिखना है। तो दो तरीक़ेकार जो फॉर्मेट है वो आपने पहले से सीखा हुआ है, उसी को आपने मद्देनजर रखना है। बाकी आपको अगर किसी चीज़ के हवाले से पता ना चल रहा हो या कोई बात किसी कोई परेशानी हो, तो आप स्कूल के दिए गए नंबरों से रब्ता करके मालूम कर सकते हैं। वस्सलाम, शुक्रिया।